अस्सलाम वालेकुम। मुल्की और गैर मुल्की ताज़ा तरीन खबरों और करंट इश्यूज़ से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहें के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। रुख करेंगे साहिवाल का। साहिवाल दुनिया इस्लाम की अजीम दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का उन्वान आज़ादी पाकिस्तान था। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महबूब चौधरी से। जी चौधरी साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया इस्लाम के अजीम दीनी दरसगाह जामिया फरीदिया साहिवाल में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसका उन्वान आज़ादी पाकिस्तान था। तकरीब की सदारत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मजहर फरीद शाह मोहतम व शेखुल हदीस जामिया फरीदिया साहिवाल कर रहे थे। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब में जामिया के होनहार तलबा ने पुरजोश अंदाज में मिली नगमे पेश किए और एहतराम के साथ कौमी तराना भी पेश किया। तकरीब में खसूसी खिताब डॉक्टर मजहर फरीद शाह ने फरमाया, आपने फरमाया, निगाह कोठियों बंगलों की तरफ लाना आज़ादी नहीं महकूमियत है। दिलपेश के मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर लगा लेने का नाम आज़ादी है। लिबरल निज़ाम कायम करना आज़ादी नहीं, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम करना आज़ादी है। लोगों की तरफ निगाहें करना आज़ादी नहीं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाहें उठाना आज़ादी है। मजीद फरमाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह का हक यह था कि यहाँ हर दिल में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समर हो, लेकिन अफसोस हम यह हक अदा ना कर सके। खुतबा के इख्तिताम पर आपने तकरीब में शरीक तलबा असातिज़ा तमाम लोगों से अहद लिया कि हम पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना भी पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर साहब ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई। जी